धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। आज ये जो संशोधन कानून हम जो लाए हैं, ये संशोधन कानून जल प्रदूषण के साथ संपर्क रखता है। और बहुत अफसोस की बात है कि बार बार ये केंद्र सरकार कहती है कि हम आर्थिक व्यवस्था में देश आज विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन ये दुख से कहना पड़ेगा कि प्रदूषण के मामले में भी आज हमारा भारत देश एक विश्व गुरु बन चुका है। अगर आप वायु प्रदूषण की बात करें तो दुनिया में सबसे 10 जहरीले शहर जहां पे सांस लेना भी जान को जोखिम में डालना होता है, वो आज भारत में है। अगर आप जल प्रदूषण की बात करें तो नीति आयोग के खुद ही के ही रिपोर्ट में ये कबूल किया है कि दुनिया भर के 122 देशों में जहाँ पे जल प्रदूषण बहुत एक संवेदनशील मामला है, उन 122 देशों में इंडिया का जो रैंक है वो 120 में है। सर, वर्ल्ड बैंक कहता है कि यहाँ पे 70% जो हमारा सरफेस वाटर है वो अगर हम पिए तो वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। गंगा, जिसकी हम सब पूजा करते हैं, माँ गंगा में लगभग 40,000 मेट्रिक टन का सुवेज जाता है। यमुना में जहाँ पे लोग छठ पूजा के लिए जाते हैं, हमने देखा है वो चित्र कि सारे तरफ प्रदूषण का झाग है, और इस प्रदूषण के झाग में हम छठ देवता को हमारे लोग पूजा कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है। असम में भी सर, हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि ऐसे 11 स्ट्रेचेज हैं 10 नदियों में जो बहुत ही प्रदूषित हैं। वो कौन से नदियां हैं? भरालू, बेगा, भूरी डिंग, धौनश्री, खौरसोंग, मोरा भराली। तो बहुत दुख लगता है सर कि भारत नदियों का देश है, और इस नदियों के देश में हम अपने नदियों में हर दिन बिना ट्रीट किए हुए कचरा, चाहे इंडस्ट्री का हो चाहे हमारे घरों का हो, हम वहाँ पे डाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जितना ये कचरा जाता है नदियों में, लेक वाटर बॉडीज में, हमारा भारत देश खाली 13% कचरा को ही ट्रीट कर पाता है। और ये जो चूक हो रही है हम सबसे, इसमें मैं राजनीति लाना नहीं चाहूँगा, ये चूक हम सबसे हो रही है। इसके कारण क्या, इसका प्रभाव क्या हमारे बच्चों पर? आज उनमें टाइफॉइड हो रहा है, कॉलेरा, हेपेटाइटिस। हम खुद असम, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि आर्सेनिक को लेकर कितने सारे बीमारियां हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि लोगों को कार्सिनोजेनिक पानी, ऐसे पानी पी रहे हैं जिसमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पाए गए हैं, और उनपे आज किडनी के आज समस्याओं के साथ बहुत उनको अपना मेडिकल का खर्चा देना पड़ रहा है। माँ गंगा में एक और मैं दुविधा से कहना चाहूँगा कि 2017 में रिपोर्ट के हिसाब से हमें बताया गया था कि 2017 में लगभग 21,000 MPNN पर 100 ml फीकल बैक्टीरिया मिला गया था। ये चंपानगर में है सर। 2017 में लगभग फीकल बैक्टीरिया चंपानगर में माँ गंगा के तट पर लगभग 21,000 MPNN पर 100 ml, ये मेट्रिक है। और 2021 में ये बढ़ा, 2021 में उसी स्थिति पे 21,000 से 31,500 MPNN पर 100 ml माँ गंगा में ये फीकल बैक्टीरिया मिला। कितनी दुख की बात है। उसके बावजूद भी सरकार अपने पीठ पे थपथपाना चाहती है। वो कहती है कि काम हुआ है, प्रगति हुआ है। क्या प्रगति हुआ है सर? कि 2018 में उन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 351 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस मिले, और 2022 में वो 351 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस 311 का हो गया। बस इतना ही, इसी को लेके खुश हो रहे हैं कि 351 से 311 चार साल लगे, बस इतना ही। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि सरकार को अपना पीठ थपथपाना नहीं, अपने आप को और सतर्क करना चाहिए। और इसीलिए हम अपेक्षा करते थे कि जैसे आदरणीय सुप्रिया जी ने कहा कि हमारे जो मंत्री हैं उनका सभी का हमारा सम्मान है, लेकिन ये उनका जो विभाग है अब पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं है, उनका विभाग उद्योग की रक्षा का विभाग बन चुका है। ताकि उद्योग को रक्षा मिले इसलिए उनको और क्लियरेंस मिलते जाए,
आसानी से क्लियरेंस मिलते जाए, जल्द से क्लियरेंस मिलते जाए, तो पूरा पर्यावरण का संरक्षण से उद्योग का संरक्षण का विभाग बन चुका है। और हो सकता है क्योंकि वे इतने सज्जन हैं इसलिए उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर वो थोड़ा उनके वाणी में हमारे प्रति कटुता होता, हमारे ऊपर आरोप लगाते, हमको गाली देते, तो शायद उनको और शक्तिशाली एक विभाग मिलता और उनको और शक्ति मिलती। लेकिन ऐसा नहीं, वो सज्जन है और इसी सज्जन व्यक्ति होने के नाते उनके एक कमज़ोर मंत्रालय और कमज़ोर कानून का जिम्मेवारी उनको मिला है। आज 2018 में माँ गंगा में क्या हो रहा है सर? रिसर्च ये कहता है कि इन 10 रिवर्स, बोलने दीजिए, गंगा की बात करें, गंगा की बात तो सुनिए, गंगा की बात कर रहे हैं, कितने करोड़ों रुपए खर्च के गंगा, नमामि गंगा पे। और क्या हो रहा है कि नमामि गंगा में 2018 में लिखा गया है कि आउट ऑफ द 10 रिवर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, द रिवर गंगा कैरीज 93% ऑफ द प्लास्टिक एंड विच एंड्स अप डायरेक्टली इन द ओशंस। देयर आर सो मेनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो काम नहीं कर रही। तो आपने नमामि गंगा आप तर्थ दे दीजिए। मैं मांगता हूं कि नमामि गंगा में आपने हजार लगभग 12,000 करोड़ अपने रुपए अपने खर्च किए हैं, कितने सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं काम कर रहे उसका विवरण ये दे। साथ ही साथ मैं सारा जिम्मेवार मैं केंद्र सरकार पे नहीं डालना चाहता, बहुत से छोटे छोटे उद्योग है माँ गंगा के तट पर, ये छोटे छोटे टैनरीज केमिकल अंडर वॉट रूल माँ गंगा के तट पर बहुत से टैनरीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, स्लॉटर हाउसेस हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ये छोटे छोटे उद्योग सर, अगर इनको भी अपना इंडस्ट्री अपना जो एमिशंस साफ करना है तो उनको मदद चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको क्रेडिट चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऐसे ऐसे छोटे उद्योग को तो हम पनिश नहीं कर सकते, ये माइक्रो मीडियम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को हम पनिश नहीं कर सकते। तो ऐसे छोटे मध्यम वर्ग के उद्योग को केंद्र सरकार क्या मदद करेगी, हम वो भी जानना चाहते हैं। लेकिन जहां पर ये छोटे उद्योग को मदद करें, बड़े बड़े उद्योग पर ये कितनी सतर्कता से अपनी नजर रखेंगे वो भी पूछना चाहते हैं। आज कॉपर में बहुत पानी का इस्तेमाल होता है और बहुत इंडस्ट्री एमिशंस होते हैं। कॉपर का सर, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कच्छ कॉपर लिमिटेड आज कुछ ही महीने पहले उद्घाटन हुआ, जिसमें 1 मिलियन टन का कॉपर का प्रोडक्शन है। ऐसे कॉपर इंडस्ट्री जिसका मालिक वर्तमान सरकार के बहुत करीब है, उनका नाम नहीं लूंगा, सब समझ चुके हैं, सबसे करीबी जो उद्योगपति है उन्हीं का ये फैक्ट्री है, ऐसे कॉपर प्लांट पर ये केंद्र सरकार क्या निगरानी रखेगी, हम जानना चाहते हैं। सर द क्रक्स ऑफ द बिल सर, ये बिल वैसे तो है राज्य सरकार की ताकत को कम करने का, लेकिन इसका जो दो मूल जो उद्देश्य है, जैसे हाथी का दांत एक खाने के लिए दिखाने के लिए, तो ये जो हाथी का दांत जो छुपा हुआ है वो ये है सेक्शन 4 में, provided central government by notification in the official gazette exempt certain categories of industrial plants from the provisions of this subsection. कौन है इन कैटेगरीज, कोई विवरण नहीं, कब पता चलेगा इसका कोई पता नहीं। और दूसरा इसका यह है सेक्शन 5 में, दैट notwithstanding anything in the act, the central government in consultation with the central board may by notification in the official gazette issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any state board. तो बीच बीच में ये notification निकालेंगे और अगर state board ने कोई कदम लिया जो इनके साथ ये इनका मंजूरी नहीं है तो वो state board का cancel, permission, हर कुछ change कर सकते। तो ये दो main चीजें हैं, तो हम तो विवरण चाहेंगे, क्या rules हैं, क्या ये parliament law making body नहीं है? बार बार केंद्र सरकार ऐसे वे कानून लाते हैं और पूरा रूल मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी को दे देते हैं या जॉइंट सेक्रेटरी को देते हैं और बीच बीच में गजेट नोटिफिकेशन निकाल के जो पूरा इंडस्ट्री का रेगुलेशन आज बिल के द्वारा नहीं गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ डिबेट करने के लिए है, हम तो कोई रूल नहीं बना रहे, हम कैटेगरीज नहीं लिस्ट कर रहे। तो बिल में और डिटेल लाइए, ये हमारी मांग है, लिस्ट आउट द कैटेगरीज, व्हाट आर दोस रूल्स, व्हाई डोंट यू पुट देम इन दिस बिल, दैट इज व्हाट वी वांट सर। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का उल्लेख क्यों नहीं है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में कहीं भी नहीं लिखा कि प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। आप करिए, आपको एग्जेम्प्ट करना है करिए, आपको गजेट नोटिफिकेशन निकालना है निकालिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके तो करिए।
क्या स्टेट गवर्नमेंट सक्षम नहीं है कुछ इंडस्ट्री कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट करने के लिए? क्या स्टेट गवर्नमेंट सक्षम नहीं है कि वाटर विच इज अ स्टेट सब्जेक्ट उसके लिए ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन लाने के लिए? तो इस प्रकार के कानून क्यों करें? ये कानून आपको अगर वास्तविक में जल प्रदूषण के साथ अगर आपका संबंध होता तो आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसीज हैं उसको भरते। अगर आप सचमुच में सतर्क होते तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और फंडिंग देते। अगर आप सचमुच आप सतर्क होते तो रिसर्च पे ध्यान देते, डेटा वाटर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स मॉडलिंग जिसका उल्लेख सुप्रिया जी ने किया उस पे ध्यान देते। अंत में अगर आप सचमुच सतर्क होते तो कैपेसिटी बिल्डिंग, आज ये विभिन्न जो कानून हैं इसके जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं सेक्शंस हैं, अगर आप लोकल पंचायत में जाएंगे, लोकल अर्बन बॉडीज में जाएंगे, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, उनको पता नहीं तो किस प्रकार का आप अवेयरनेस करेंगे इंडस्ट्री के बीच में, लोकल सरकार के बीच में, लोगों के बीच में। तो इस प्रकार का अगर आप कानून करते तो आज जो हमारा देश जिसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जहां पे और शहरीकरण हो रहा होगा, ये समस्या को मद्देनजर रखते हुए एक ठोस कानून लाते, ना कि आप ये कमजोर कानून जो ला रहे हैं जिसका हम घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।